हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ में आपका एक्सरसाइज चल रही थी 12.1 हीरोन्स फॉर्मूला। इसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो कह रहा है कि अ ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो आपके यहाँ फ्लाई ओवर की जो ट्रायंगुलर वॉल बचती है उस पर एडवर्टाइजमेंट करने की बात की जा रही है। दैट साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 बाई 122 बाई 120। मतलब ऐसा माना गया कि ये जो कर्व है वो आपका ये जो कर्व है ये आपका स्लेंट है, स्लेंट हाइट है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर एरिया पर ईयर। 5000 रुपये एक मीटर स्क्वायर के हिसाब से चार्ज लगता है इस पर पेंट कराने का, और ये एक साल के लिए होता है। कंपनी हैड ऑन हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अगर कंपनी 3 महीने के लिए लेती है तो हाउ मच रेंट डिड ही पे। सबसे पहले तो आपको निकालना होगा एरिया कितना होगा। इसने बोला है कि ट्राइंगुलर वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैव बीन, बहुत सारे ये दोनों साइड होंगी, एक साइड तो होगा नहीं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कैसे करना है। ट्राइंगुलर साइड ऑफ द वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर द दिस गिवन। बेस लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ इक्वल टू हमें मिला हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट से नहीं होगा, ये हो जाएगा हाइट है 22 और स्लेंट हाइट है 122 और बेस है 120, ऐसे है। ठीक है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए है हमारे पास 22, 122 प्लस 120 अपॉन टू, ऐड कर देंगे 224, 224 26, 112 अपॉन टू, कितना आ जाएगा 212, 236 और 224 यानी कि 132 आ गया। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी 132, तो ये आ गया आपका। फिर आता है अंदर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120। ठीक है, उसको माइनस करेंगे, तो 132 माइनस 22 करेंगे तो आएगा ये 122 है। हाँ, पहले आपका 132 माइनस 122 110 आ गया, फिर उसके बाद है आपका 122 तो 10 आ जाएगा, और उसके बाद है आपका 120 तो ये आ जाएगा आपका 12, ये आपका 12 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इनटू करा देंगे, इसमें से फैक्टर बनाने हैं तो 132 को ब्रेक कर लो, जीरो को अलग कर लेंगे, इसे ब्रेक करेंगे, 132 का फैक्टर करेंगे 6 2 12 6 2 12, तो 6 × 22 × 11 × 100 × 12 ऐसे हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं,
सिक्स इंटू टू इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू टेन इंटू ट्वेल्व, ये इसको लिख सकते हैं आप। ट्वेल्व एक ये आ गया, एक ये आ गया, इलेवन भी आएगा, इलेवन ही का ना, सिक्स इंटू टू, हाँ एक इलेवन ऑलरेडी था। अब आपने 22 में से 2 इंटू इलेवन कर दिया यहाँ पर, चलो एक इलेवन यहाँ लिख लेते हैं, तो एक आ गया 12 इंटू ट्वेल्व, ठीक है, ये 12 और ये 12, एक आ गया 10 इंटू टेन, एक आ गया 11 इंटू इलेवन, इसमें से कॉमन आ जाएगा 12 इंटू टेन इंटू इलेवन, तो इलेवन टू या 22, इलेवन उन इलेवन प्लस टू 12 13 वन थ्री, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर में मीटर में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे ₹5000 के हिसाब से चार्ज पड़ता है पर मीटर स्क्वायर का, पर यहाँ लिखेंगे चार्ज फॉर 12 मंथ्स, एक साल का मतलब 12 महीने हो गए ना, इक्वल टू 5000, सो चार्ज फॉर 3 मंथ्स, तो 5000 इंटू 3 अपॉन 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, कितना है 12 50, ये एक मीटर स्क्वायर का चार्ज है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का ना। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में दे रखा है, 12.1 का सेकंड, ये आ गया आपका 1 मीटर स्क्वायर का इतना चार्ज आ गया। अब कितना पेंट होना है, सो चार्ज फॉर 1320 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का ये चार्ज है 1250, और इतने का निकालना है, तो 1320 इंटू 1250, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देनी है, ठीक है, तो 132 और 125 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 16500 इंटू 100 अलग है, ठीक है, हो जाएगा 16500, यानी 1650000 इसका आंसर हो जाएगा, इतने रुपए इसका चार्ज लगेगा इसको कराने का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर अ स्लाइड इन अ पार्क, ये क्वेश्चन से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 6, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए। ये एप्लीकेशन ऑफ हीरोज़ फॉर्मूला है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 12.2 है ये, और फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेहनत से अपनी जो है पढ़ाई करिए, ओके बाय।